हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल क्रिप्टो 200% अर्निंग चैनल पर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए इस वीडियो के अंदर मेरे बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार बिटकॉइन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पेटेंट लेकर आया हूं। यदि बिटकॉइन इस पैटर्न को फॉलो करता है तो आपको आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर बहुत बड़ा पंप देखने को मिल सकता है। और यदि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर बहुत बड़ा पंप होता है तो मैं बता दूं आपको, जितने भी अल्ट कॉइन्स हैं उनके अंदर एक आपको बहुत बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। तो यहां से जानते हैं कि वो कौन सा पैटर्न है बिटकॉइन का, और अभी मार्केट के अंदर बिटकॉइन की प्रेजेंट सिचुएशन क्या बनी हुई है, उसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। लेकिन आपसे इतनी ही विनती है, इतना ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखिएगा, स्टार्ट करता हूं और सबसे पहले मैं उस पैटर्न के ऊपर डिस्कस करना चाहूंगा जो पैटर्न बिटकॉइन फॉलो कर रहा था पिछले कई दिनों से, और अब आगे जो फॉलो करेगा उसको भी बताना चाहूंगा। देखिएगा, मैं आपको यहां से बिटकॉइन की बात बताना चाहूंगा। अगर अभी मैं बिटकॉइन की प्राइस की बात करता हूं, एट प्रेजेंट जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूं तब बिटकॉइन की प्राइस लगभग इस लेवल के आसपास चल रही है, और ये लेवल लगभग $37,400 के आसपास है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको वो पैटर्न दिखाना चाहूंगा और मैं आपको थोड़ा पीछे की ओर लेके जाना चाहूंगा, December 2020 के आसपास। देखिएगा, 16 दिसंबर 2020 को बिटकॉइन की जो प्राइस थी वो लगभग इस लेवल के आसपास थी, $20,056 के आसपास। हुआ क्या, यहां से बिटकॉइन की प्राइस धीरे धीरे पंप होने लगी, धीरे धीरे बिटकॉइन की प्राइस बढ़ने लगी, और 8 जनवरी 2021 को बिटकॉइन की प्राइस कहां तक पहुंच सकी थी, $39,280 के आसपास। माय डियर फ्रेंड्स, इस लेवल से इस लेवल तक जब बिटकॉइन की प्राइस पहुंची तो बिटकॉइन के अंदर 100% इंक्रीमेंट हो चुका था। जिसके चलते हुआ क्या, जिसके चलते यहां से जब बिटकॉइन की प्राइस इस लेवल तक पहुंची तो जितने भी अल्ट कॉइन्स थे उनके अंदर एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली, और उन अल्ट कॉइन्स ने बहुत अच्छा लोगों को प्रॉफिट दिया। माय डियर फ्रेंड्स, हुआ क्या, 8 जनवरी के बाद में बिटकॉइन की प्राइस धीरे धीरे नीचे आने लगी और बिटकॉइन की प्राइस इस लेवल तक नीचे आ गई। ये लेवल कौन सा, $31,700 के आसपास। देखिएगा, 28 जनवरी 2021 की बात कर रहा हूँ, इस लेवल के बाद में बिटकॉइन की प्राइस वापस से धीरे धीरे बढ़ने लगी, और डे बाय डे बढ़ते बढ़ते बिटकॉइन की प्राइस इस लेवल से इस लेवल तक पहुंच गई। ये लेवल कौन सा है, $57,406 के आसपास। कब, मैं बताऊंगा आपको, 21 फरवरी 2021 को। तो आप देख सकते हैं बिटकॉइन की प्राइस में फिर से इस लेवल तक बढ़ने में 81% का इंक्रीमेंट हुआ बिटकॉइन की प्राइस के अंदर। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही यहां पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर 81% का इंक्रीमेंट हुआ, वैसे यहां पर जितने भी अल्ट कॉइन्स थे उनकी प्राइस के अंदर भी बहुत बड़ा एक पंप देखने को मिला, उनके अंदर भी बहुत बड़ी रैली देखने को मिली। हुआ क्या, वापस से इस लेवल से प्राइस नीचे आई और इस लेवल से यहां तक वापस नीचे गई। ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है लगभग $44,190 के आसपास। ये कब की बात है, 28 फरवरी 2021 की बात है। देखिएगा, इस लेवल से वापस से बिटकॉइन के अंदर पंप हुआ और बिटकॉइन की जो प्राइस थी लगभग इस लेवल तक पहुंची। ये लेवल कौन सा है, $60,470 के आसपास। कब पहुंचा, 14 मार्च 2021 की बात कर रहा हूं। इस लेवल से इस लेवल तक जब बिटकॉइन की प्राइस पहुंची तो बिटकॉइन के अंदर 36% का इंक्रीमेंट हुआ, बढ़ोतरी कितनी, 36% की हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा, वापस से बिटकॉइन की जो प्राइस थी वो इस लेवल से इस लेवल तक आई, और फिर ये जो लेवल था वो लगभग था $51,560 के आसपास। माय डियर फ्रेंड्स, ये बात है 25 मार्च की। फिर यहां से एक सबसे बड़ा पंप यहां से फिर से देखने को मिला, वो कौन सा पंप देखने को मिला, 25% की इंक्रीमेंट के साथ में लगभग 14 अप्रैल को बिटकॉइन की प्राइस $64,800 के आसपास पहुंच गई थी। माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में बिटकॉइन की प्राइस धीरे धीरे आप देख रहे हैं नीचे की ओर आ रही है, और सबसे बड़ा डिप एक बार पहले अपने को देखने को मिला, इस लेवल से कहीं इस लेवल तक प्राइस नीचे आ चुकी थी। ये लेवल कौन सा था, ये लेवल लगभग $47,000 के आसपास। आप सभी को पता है कि 23 अप्रैल को सबसे बड़ा क्रेश हुआ था बिटकॉइन की प्राइस के अंदर। माय डियर फ्रेंड्स, फिर हुआ क्या, इस लेवल से ध्यान से समझिएगा, इस लेवल से वापस से बिटकॉइन की प्राइस के अंदर पंप हुआ और बिटकॉइन की प्राइस इस लेवल तक पहुंची। जैसे ही बिटकॉइन की प्राइस इस लेवल तक पहुंची तो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर 27% का इंक्रीमेंट हुआ, और आपने देखा होगा जितने भी अल्ट कॉइन्स थे उन सभी अल्ट कॉइन्स के अंदर इस लेवल, मतलब बिटकॉइन जब इस लेवल से इस लेवल तक पहुंचा तो जितने भी अल्ट कॉइन्स थे उनके अंदर भी बहुत बड़ा पंप हुआ, और कई कई अल्ट कॉइन्स ने 2 गुना, कईयों ने 4 गुना, कईयों ने 5 गुना तक प्रॉफिट दिया। इसका एक जीता जाता उदाहरण मैं बता दूं आपको, मैटिक कॉइन ने इसी टाइम पीरियड के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया लोगों को। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब बिटकॉइन की प्राइस इस लेवल से वापस नीचे आई, ठीक है,
जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ बिटकॉइन के खिलाफ आ रही थी, ठीक है, जिसके चलते बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं बढ़ सकी, बढ़ पाई और फिर नीचे की ओर उतरने लगी, और बिटकॉइन की प्राइस नीचे कहाँ तक आई, वापस इस लेवल के आसपास, लगभग इस लेवल से भी नीचे गई थी। मैंने जो लेवल लगाया वो ये लेवल है $30,000 के आसपास। माय डियर फ्रेंड्स, हुआ क्या, वापस बिटकॉइन की जो प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, और बिटकॉइन की प्राइस अभी अगर मैं प्रेजेंट में बात करूं तो अभी लगभग बिटकॉइन की प्राइस इस लेवल के आसपास, ये जो लेवल है 34,000, ठीक है, $34,000 से $38,000 इस लेवल के आसपास ही मूव कर रही है, ऊपर और नीचे पंप और डंप कर रही है। अब मैं आपको यहां से बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं, इस पैटर्न के अंदर नई और विशेष बात क्या है। जिस तरीके से यहां पे 100% इंक्रीमेंट, यहां पे 81% इंक्रीमेंट, यहां पे 36% इंक्रीमेंट हुआ, यहां पे 25% इंक्रीमेंट हुआ, फिर यहां पे 27% इंक्रीमेंट हुआ, तो इसी प्रकार से यदि इसी प्रकार से बिटकॉइन की प्राइस इस लेवल से, ये लेवल से, इस लेवल से बढ़ती है और इस लेवल से बढ़कर यदि इस लेवल तक पहुंचती है तो लगभग 36% का इंक्रीमेंट आपको बिटकॉइन की प्राइस में देखने को मिल सकता है। और यदि ऐसा होता है कि बिटकॉइन की प्राइस इस लेवल से इस लेवल तक पहुंचती है और वहां पर 36% का इंक्रीमेंट बिटकॉइन की प्राइस में होता है, तो जितने भी अल्ट कॉइन्स हैं इन अल्ट कॉइन्स के अंदर आप वापस से ही एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, आप वहां से वापस से जितने भी अल्ट कॉइन्स हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ी रैली देख सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही एक पैटर्न है जो मैंने ऑब्जर्व किया मेरे टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार, और जहां तक मुझे लग रहा है यहां से इस लेवल से, ठीक है, इस लेवल से बिटकॉइन की प्राइस का यहां तक जाना संभव है, बिल्कुल यहां तक जा सकती है। इसके बाद में आगे क्या होगा वो आगे की बात होगी। ठीक है, वो कब होगी, जब बिटकॉइन इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, क्योंकि यहां पर ये जो लेवल है मैंने बताया था, ठीक है, मैंने बताया था वो 49,000 डॉलर से $52,000 का जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट करता है यदि बिटकॉइन, तब ही आपको इस लेवल से भी बिटकॉइन की प्राइस ऊपर देखने को मिल सकती है, और फिर तो आपको बिटकॉइन की प्राइस जो है वो बहुत ऊपर तक देखने को मिल सकती है, और फिर से आपको जितने भी अल्ट कॉइन्स हैं उनके अंदर बहुत बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। अब मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ वो ध्यान से समझिएगा, अपन समझते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस। ये जो टेक्निकल एनालिसिस है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विदाउट टेक्निकल एनालिसिस आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहूंगा, यहाँ पे इस लेवल के आसपास कभी प्राइस थी $31,160 के आसपास, फिर क्या हुआ, प्राइस यहाँ से बढ़ने लगी, प्राइस यहाँ से बढ़ती बढ़ती कहाँ पे पहुंची, इस लेवल के आसपास। ये लेवल कौन सा है, $39,822 के आसपास बिटकॉइन की प्राइस पहुंची। मैं आपको बताना चाहूंगा इस लेवल के पास में बिटकॉइन की प्राइस पहुंचने के बाद हुआ क्या, बिटकॉइन की प्राइस वापस नीचे आई और बिटकॉइन की प्राइस लगभग इस लेवल के नीचे आसपास, कौन से लेवल, $36,500 के आसपास बिटकॉइन की प्राइस वापस नीचे आई। हुआ क्या, यहां से ये जो लो बनाया, ठीक है, ये जो लो बनाया, इस लो के बाद में इसने ये बनाया टॉप, ये टॉप बनाया, इस टॉप के बाद में यहां पे क्या बनाया इसने, लो बनाया। ये लो कौन सा बनाया इसने, सेकंड। ये लो कौन सा बनाया, फर्स्ट। ये फर्स्ट लो था, ये सेकंड लो था, ये फर्स्ट टॉप था, फिर इस सेकंड लो के बाद में फिर क्या बनाया इसने, यहां पे बनाया टॉप सेकंड। क्या बनाया, टॉप सेकंड। कौन सा लेवल था टॉप सेकंड, यहां पे था $40,900 के आसपास। देखिएगा, मैं आपको यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, समझिएगा। अब यहां से गया हुआ इसकी प्राइस के अंदर वापस से क्या हुआ, डंप हुआ, और इसकी प्राइस लगभग किस लेवल तक आई, इस लेवल तक। देखिए, फर्स्ट लो बनाया, सेकंड लो, और यहां पे कौन सा बनाया, यहां पे बनाया थर्ड लो। क्या, थर्ड लो। अब थर्ड लो के बाद में देखिए, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप। अब यहां से क्या होना चाहिए था, यहां से प्राइस बढ़नी चाहिए थी, और प्राइस बढ़ते हुए किस लेवल तक पहुंचनी चाहिए थी, लगभग इस लेवल के प्राइस के बढ़ते बढ़ते इस प्राइस को इस लेवल तक पहुंचना चाहिए था। अगर प्राइस इस लेवल तक पहुंचता तो यहां पे बनता टॉप थर्ड, बनता क्या, बनता टॉप थर्ड। लेकिन प्राइस इस लेवल तक नहीं पहुंचा और प्राइस वापस से इसी लेवल से नीचे की ओर आ गया, और जब प्राइस वापस नीचे आया तो आपको देखने को मिला इस लेवल तक, और यहां पे क्या बना, लो कौन सा, लो यहां पे बना फोर। फर्स्ट लो बना, सेकंड लो, थर्ड लो। अब जो फोर्थ लो बनना चाहिए था, वो फोर्थ लो कहीं इससे ऊपर बनना चाहिए था, तब अपन सोचते कि जो बिटकॉइन है उसके प्राइस के अंदर एक पंप देखने को मिल रहा है और वापस से एक राइज देखने को मिल सकता है। जितने भी अल्ट कॉइन्स हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ा पंप अपने को वापस से देखने को मिल सकता है, कब, जब बिटकॉइन के अंदर बहुत बड़ा पंप होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, इस लेवल से वापस प्राइस नीचे आई और इसने जो लो बनाया वो लो इस लेवल के आसपास बनाया। माय डियर फ्रेंड्स, अगर अब यहां से इस पैटर्न को ऑब्जर्व करता हूं, एक तो ये पैटर्न था जो आप देख रहे हैं और एक दूसरा पैटर्न ये बनाया मैंने, इसको मैं बताना चाहूंगा अब आपको। देखिएगा, अगर इस पैटर्न को अब यहां से वापस से BTC फॉलो करता है तो होगा क्या, अब इस पैटर्न को फॉलो करने के बाद में बिटकॉइन ने इस लेवल के बाद में ये जो लो था, इस लो को बनाया, ये लो फर्स्ट है, इस लो के बाद में यहां पे बना टॉप फर्स्ट। क्या बना, टॉप फर्स्ट।
यहां पे टॉप फर्स्ट बनाने के बाद वापस इसने क्या बनाया, लो सेकंड बनाया। क्या बनाया? लो सेकंड। यहां से लो सेकंड बनाने के बाद वापस इसकी प्राइस के अंदर पंप हुआ और इसकी प्राइस यहां तक गई। ये कौन सा बनाया? टॉप सेकंड बनाया। यहां पे टॉप फर्स्ट, यहां पे टॉप सेकंड। अब देखिएगा, यदि यदि बीटीसी इस लेवल को, ये जो बीटीसी, ये जो पेटेंट है, ठीक है, इस पेटेंट को यदि बीटीसी फॉलो करता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जो इसका लो बनाया था, इसने ये लो बनाया था, ठीक है, ये लो था, ये लो कितना बना? थर्ड। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां से इसकी जो प्राइस है वो धीरे धीरे पंप करने लगी है और प्राइस इस लेवल तक आ गई है, ठीक है। अब इस लेवल से प्राइस इस लेवल तक भी आ गई है। ये लेवल मैंने बताया आपको कौन सा था, अभी ये लेवल था लगभग $37,400 के आसपास। अब देखिएगा, यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझ में क्या आती है, यहां से बात समझ में आती है कि अब इस बिटकॉइन को इस ये जो टॉप है, ठीक है, ये जो है इस लेवल को बिटकॉइन को यहां से टच करना चाहिए। यदि इस लेवल को यदि बीटीसी टच नहीं करता है, यदि इस लेवल को, ये लेवल कौन सा है, ये है लेवल $38,000 के आसपास, यदि बीटीसी इस लेवल को टच नहीं करता है तो वहां पे तो क्लब थोड़ा सोचने का विषय हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे टॉप सेकंड है और यहां पे अगर आता है, इस लेवल के आसपास आता है तो लोग लगभग यहां पे बनता है टॉप थर्ड। ये टॉप थर्ड बनना बहुत जरूरी है। और अगर इस लेवल के आसपास नहीं पहुंचता है और इसी लेवल से प्राइस वापस नीचे आती है, इसी लेवल से यदि प्राइस मान लीजिए नीचे आती है तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्राइस कहां तक नीचे जा सकते हैं। अगर इस लेवल से प्राइस नीचे आती है तो आपको प्राइस इस लेवल तक, देखिएगा ये जो लेवल है, इस लेवल तक आपको नीचे प्राइस आने को देखने को मिल सकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैंने एक लिखा है $34, यहाँ पे लिखा है $36, यहाँ पे लिखा है $38। देखिएगा, ये देखिएगा, ये जो दोनों लेवल है ना, ये जो दोनों लेवल है, ये जो दोनों लेवल, ये दोनों के दोनों लेवल मैंने लिखा है बिग सपोर्ट। ये बिग सपोर्ट का काम कर रहे हैं किसके लिए? इस बीटीसी के लिए, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि प्राइस इस लेवल से यहां पे प्राइस कहीं यहां पे चल रही है और इस लेवल से प्राइस बढ़ती है तो यहां पर छोटा सा, यहां पे मैंने पॉइंट लिखा है स्मॉल आर, यानी कि स्मॉल रेजिस्टेंस। यदि बिटकॉइन की प्राइस इस $38 के इस रेजिस्टेंस को तोड़ती है, ठीक है, तो आपको प्राइस बहुत ऊपर तक देखने को मिल सकती है, $42,000 के आसपास भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो इसका सपोर्ट बन रहा था ना, वही इसके लिए छोटा सा स्मॉल रेजिस्टेंस, यानी छोटा सा प्रतिरोध का काम करेगा। क्या करेगा? $38,000 के आसपास। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बिटकॉइन है उसके लिए 38,000 से लेकर 34,000 का जो एरिया है, ये एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि बीटीसी इस लेवल को होल्ड करता है आने वाले 5-7 दिन तक, यदि बिटकॉइन इस लेवल को होल्ड करता है तो फिर अपन यहाँ से समझेंगे, फिर यहाँ से अपन को समझ में आएगा कि हाँ शायद बिटकॉइन स्टेबल हो रहा है और बिटकॉइन यहाँ से एक अच्छा मूव ले सकता है और बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक बहुत अच्छा पंप देखने को मिल सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बात समझना बहुत जरूरी है। यदि इस एरिया को होल्ड करता है और इस एरिया को नीचे ब्रेकआउट करता है तो आपको प्राइस बहुत नीचे तक देखने को मिल सकती है, और यदि इस एरिया को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करता है तो आपको प्राइस भी बहुत ऊपर तक देखने को मिल सकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने जो बात बताई है वो आपको ये भी समझ में आया होगा, ये भी समझ में आया होगा। होप जैसे मेरे को जो लग रहा है, मेरे टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार ये लग रहा है कि इस लेवल के बाद में देखिएगा इस लेवल के बाद में जो बिटकॉइन है वो लगभग इस लेवल को टच करेगा, और यदि इस लेवल को टच करता है तो इससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा, इस पैटर्न से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और फिर से आपको बिटकॉइन की जो प्राइस है बहुत ऊपर तक देखने को मिल सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने सारी बातें क्लियर करी होगी और आपको सारी बातें समझ में भी आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद आप सभी का।